किसानों से जुड़ी एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के बाजपुर में दिल्ली जा रहे किसानों को, आपको बता दें, पुलिस आगे जाने से रोक नहीं पाई। उत्तराखंड से आ रहे थे ये लोग, पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, लेकिन एक ट्रैक्टर सवार ने बैरिकेड होने पर भी ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड से ये किसान आ रहे हैं और इनको रोका जा रहा है। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी मौजूद थे। बाद में कई किसान खेतों में गाड़ियां लेकर उतर गए और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये उत्तराखंड से किसान हैं जो आ रहे हैं। कमाल खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, जरा ये बताइए तस्वीरें कहाँ की हैं, कहाँ से किसान आ रहे हैं, जरा बताइए। नहीं, ये किसान जो हैं, बड़ी तादाद में किसान जो हैं, जो तराई का इलाका है उत्तराखंड का, उधम सिंह नगर है, काशीपुर है, बाजपुर है, या नेपाल बॉर्डर की तराई का इलाका है, यूपी का लखीमपुर है, इधर से बड़े पैमाने पर किसान जा रहे हैं। यहाँ पे सिख आबादी बहुत बड़ी है। 1947 में यहाँ रिफ्यूजीज को बसाया गया था। उनकी बहुत बड़ी बड़ी खेती है, काफी मेहनती किसान है, और बड़े पैमाने पे ये दिल्ली बॉर्डर पे जो आंदोलन हो रहा है वहां पे हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बाजपुर के किसान थे, बाजपुर एरिया उत्तराखंड में आता है, और वहां से ये जाना चाहते थे। इन्होंने प्रशासन से ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में कोई अशांति नहीं करेंगे, सिर्फ हमें रास्ता दे दिया जाए, हम अपनी गाड़ियां लेकर के मुरादाबाद होते हुए दिल्ली, रामपुर होते हुए मुरादाबाद होते हुए दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन रामपुर की एक टांडा तहसील है, वहां पे बैरियर पे इनको रोक दिया गया था और प्रशासन ने इनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी। ये बहुत देर इंतजार करते रहे। इनका कहना था कि हम यहां कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रदर्शन दिल्ली है, हमें दिल्ली जाने दें। लेकिन जब उनको नहीं जाने दिया तो बहुत सारे किसान जो हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और वो गाड़ियां लेकर के खेतों में उतर गए, अपने ट्रैक्टर लेकर के खेतों में उतर गए और नारे लगाते हुए वो खेतों के जरिए वो चले गए और पुलिस नहीं रोक पाई उनको। कमाल, आप कह रहे हैं कि काफी बड़ी तादाद थी उत्तराखंड के ये किसान थे, लेकिन जो तस्वीरें अपने आप में एक संदेश देती हैं, जिस तरह से इन्होंने ट्रैक्टर भी अपना आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे स्थिति क्या बनी? क्या किसी को चोट तो नहीं आई? प्रशासन का क्या रुख है? अब प्रशासन क्या कह रहा है? क्या ये लोग आगे निकल गए, तो कहां तक अब निकल गए उस लिहाज से कुछ? क्योंकि किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उसको अब एक महीना हो गया, आज 30वां दिन है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पुलिस जब उनको रोक नहीं पाई वो खामोश हो गई, क्योंकि किसानों की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो सिख किसान थे बहुत सारे, और वो अपने बहुत तरीके नारे लगाते हुए वहां से, और बहुत सारे पैदल उनके पीछे हो लिए। तो शायद पुलिस को ये लगा होगा कि वो किसान हैं, सिख कम्युनिटी के हैं, अगर वो किसी तरह का लाठीचार्ज करेंगे, कोई चीज करेंगे, तो शायद हालात बिगड़ सकते हैं। उत्तराखंड से वो जा रहे थे और सिर्फ यूपी के रास्ते से गुजर रहे थे, तो फिर पुलिस खड़ी रह गई और मेरे ख्याल से वो आगे निकल गए होंगे अब तक काफी, क्योंकि पुलिस फिर उनको रोक नहीं पाई और वो आगे बढ़ गए।